नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है एस डी टी यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले दोस्तों एक दुनिया का सबसे जबरदस्त प्रोजेक्टर के बारे में। दोस्तों इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया दोस्तों ये प्रोजेक्टर मतलब दुनिया का सबसे जबरदस्त क्वालिटी देने वाला प्रोजेक्टर। दोस्तों ये आपको आसानी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर आप डायरेक्ट इसको जाके परचेस कर सकते हैं। ये प्रोजेक्टर आप घर पर लगाते हो दोस्तों, वहाँ पर आप सिनेमा हॉल का मजा आपके घर पर ले सकते हैं। जबरदस्त क्वालिटी में रहने वाला है दोस्तों प्रोजेक्टर। आपको दीवार पे लगा के दिखाऊंगा कैसे क्वालिटी यहाँ पे हमें मिलती है, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बस इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों आपके लिए हम ऐसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। तो चलिए इसकी हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि ये आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं आपके दोस्तों के साथ, तो दोस्तों हमारे पास से आपको मिल सकता है दोस्तों ये प्रोजेक्टर फ्री में। दोस्तों ये प्रोजेक्टर आपको फ्री में चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल पे ऐसे गिवे चलते रहते हैं दोस्तों। आप हो सकता है आप भी इस प्रोजेक्टर का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए अब जाते हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग करने के बाद आपको दिखाएंगे दोस्तों दीवार पे चला के कि यहाँ पे हमें सिनेमा क्वालिटी जो होती है दोस्तों, हम जो सिनेमा हॉल जाते हैं दोस्तों वैसी क्वालिटी हमें दीवार के ऊपर मिलती है नहीं मिलती। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमें पैकिंग में अपना प्रोजेक्टर मिलता है दोस्तों। यहाँ पे आप कुछ इस तरह से मंगाओगे दोस्तों तो आपको ऐसे पैकिंग में बॉक्स मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों फटाफट इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्स करने के लिए देख सकते दोस्तों कुछ इस तरह से हम निकालेंगे इसको। निकालने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा रहेगा दोस्तों प्रोजेक्टर। दोस्तों इसको हम रखते थे साइड में और आपको इस साइड मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कुछ इस तरह मिलेगा हमारा ये चार्जर कॉर्ड वगैरह इसमें अंदर होती है। तो दोस्तों ये इसको हम फिलहाल साइड में रखते हैं। हम जो बात कर रहे हैं दोस्तों मेन यूनिट की, दोस्तों यहाँ पे इसको ऐसा साइड से निकाल देते हैं क्योंकि कुरियर से आता है दोस्तों, टूट फूट ना हो इसलिए इन्होंने सिक्योरिटी दी है इसको साइड में, थर्मोस लगा दिए थे। और आप देख सकते हो दोस्तों कितना प्यारा सा अपना प्रोजेक्टर दोस्तों यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं। आगे कुछ ढक्कन लगाए दोस्तों, इसके अंदर स्क्रैच ना पड़े लेंस के ऊपर, इसलिए यहाँ पे लगाए दोस्तों। ये जूम इन जूम आउट के लिए होता है। और यहाँ पे ऊपर से कुछ की दिए दोस्तों, की भी आप देख सकते हो दोस्तों कुछ इस तरह से हमें की देखने को मिल जाती है। और ऑन ऑफ किए दोस्तों, रिटर्न, ये सब कुछ यहाँ पे किए। पीछे से दिखाया जाए तो दोस्तों यहाँ पे वीसी केबल लगाने के लिए दिया है दोस्तों। वीसी केबल मतलब जो दो पोर्ट होता है दोस्तों, उसके अंदर हम लगाएंगे दोस्तों, डायरेक्ट प्लग में लगाएंगे तो वहाँ पे काम कर देता है। आयर सेंसर यहाँ पे पीछे से भी दिया है दोस्तों, और यहाँ पे आगे से भी आयर सेंसर दिया है। दो आयर सेंसर इसको लगते हैं दोस्तों। और यहाँ पे साइड में आपको स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। वीजे पोर्ट है दोस्तों, वीजे पोर्ट मतलब दोस्तों यहाँ पे आप इसको लैपटॉप कनेक्ट करके जो लैपटॉप में चलेगा दोस्तों वो डायरेक्ट आप दीवारों के ऊपर चला सकते हैं। HDMI केबल लगा सकते हैं दोस्तों, USB केबल लगा सकते हैं और ऑडियो वीडियो जो सॉरी हेडफोन जो होता है दोस्तों अपना हेडफोन लगा सकते हैं। और AV पोर्ट लगा सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप AV पोर्ट भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ये अपना प्रोजेक्टर दोस्तों। और नीचे से आपको दिखाया जाए तो दोस्तों यहाँ पे जो स्टैंड होता है दोस्तों, स्टैंड के ऊपर लगाने के लिए इन्होंने दिया हुआ है। तो बाकी की साइड से कुछ वेंटिलेशन के लिए दिया है दोस्तों, छेद वगैरह। तो दोस्तों ये हुआ अपना मेन यूनिट। दोस्तों फिलहाल इसको रख देते हैं साइड में। जो बात इसके साथ जो आता है दोस्तों बॉक्स, तो हम वो देख लेते हैं पहले। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से हमें बॉक्स देखने को मिल जाता है दोस्तों। इसको हम ओपन करेंगे, इसके अंदर आपको रिमोट मिलेगा, ऑडियो वीडियो लीड मिलेगी और जो स्टैंड होता है दोस्तों नीचे का, वो स्टैंड के लिए बोल्ट इन्होंने दिया है दोस्तों। ये दोस्तों वीसी केबल, तो वीसी केबल हम इसमें लगाएंगे दोस्तों। इसको अंदर लगाने के बाद दोस्तों ये हो जाता है स्टार्ट। तो उसके बाद मिलता है दोस्तों हमें रिमोट, तो रिमोट की क्वालिटी भी देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद मिलता है दोस्तों हमें ऑडियो वीडियो लीड, तो ऑडियो वीडियो में सब कुछ नीचे रख देते हैं। उसके बाद हम दिखा दें दोस्तों आपको यूज़र मैनुअल। तो दोस्तों यूज़र मैनुअल है जो कि कोई पढ़ता नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि हम जो बताएंगे तो बताते हैं दोस्तों वीडियो में बता देते हैं आपको कैसे क्या इसको लगाना है कैसे क्या नहीं। तो कुछ ये यूज़र मैनुअल दोस्तों, तो फिलहाल यूज़र मैनुअल रख देते साइड में। कुछ ये यूनिट इसके साथ आपको मिल जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं। तो ये हुआ दोस्तों अपना प्रोजेक्टर। तो दोस्तों हम इसको अभी लगा के दिखाते हैं आपको दीवार के ऊपर। तो दीवार के ऊपर एक कैसा काम करता है कैसा नहीं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बस बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए अब चलते हैं दीवार के ऊपर इसको लगा कर। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने ट्राईपॉड पे मेरा जो प्रोजेक्टर दोस्तों यहाँ पे मैंने सेट कर रखा है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ऐसा ये करके दोस्तों यहाँ पे मेरा बॉक्स, यहाँ पे विजन का बॉक्स है, मैंने HDMI केबल निकाल के इधर इस साइड यहाँ पे मैंने प्रोजेक्टर में जोड़ी है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा प्रोजेक्टर है।
और यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आगे पे देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे उजाला है, मतलब यहाँ पे मैंने लाइट ऑन करी है। लाइट ऑन करने के बाद दोस्तों उसके बावजूद भी हमारा जो रिस्पॉन्स है दोस्तों यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों यहाँ पे अभी हम आपको मतलब इसके सामने आपको दिखाया जाके दिखाएंगे कि ये जब हम ये करते हैं दोस्तों यहाँ पे जब लाइट ऑफ करते हैं दोस्तों उसका हमें रिस्पांस कैसे मिलता है। दोस्तों यहाँ पे हम लाइट ऑफ करते थे और लाइट ऑफ करके आपको दिखाते हैं दोस्तों दीवार के ऊपर हमारा टीवी कैसे चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने प्रॉपर तरीके से जो है तो मेरा लाइट ऑफ कर रखा है दोस्तों, और यहाँ पे मैं जूम आउट जूम इन करके देखता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों कुछ चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं, मतलब ये पर्दा जो है दोस्तों इसका बड़ा या छोटा हो रहा है। और ऐसे भी आप ये करके देख सकते हैं दोस्तों जैसे अभी प्रॉपर तरीके से मेरा मतलब उजाला जो है दोस्तों ये प्रॉपर तरीके से हटा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि देख सकते दीवार मतलब मेरा जो दरवाज़ा है दोस्तों ओपन ही है, तभी भी इतना अच्छा यहाँ पे हमें रिस्पांस मिल रहा है, मतलब एकदम ज़बरदस्त क्वालिटी में यहाँ पे हमारा दीवार के ऊपर टीवी चढ़ रहा है। तो दोस्तों आप भी कुछ इस तरह से आपके घर पे ही सिनेमा हॉल का मज़ा लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको कुछ इस तरह से प्रोजेक्टर आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा चल रहा है दोस्तों प्रोजेक्टर, आप देख सकते आगे लाइट भी चल रहा है आपको, आप ये देख सकते दोस्तों कुछ इस तरह से हमारा ये प्रोजेक्टर दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आगे देख सकते दोस्तों यहाँ पे हम होम थिएटर लगा दें, होम थिएटर यहाँ पे हम लगाएंगे दोस्तों, तो एकदम जैसे अपना सिनेमा हॉल होता है दोस्तों वैसे हमें क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अभी आप दीवार के ऊपर मतलब दीवार के आगे यहाँ पे आपको जाके दिखाएंगे कि यहाँ पे पर्दा की साइज कितनी है कितनी नहीं। तो चलिए जाते आगे। तो जैसे कि देख लिया दोस्तों आपने यहाँ पे मैंने दीवार के ऊपर कैसे यहाँ पे मेरा जो सिनेमा चल रहा है, जो मूवी चल रही है दोस्तों, तो कुछ आप इस तरह से आप भी घर के ऊपर सिनेमा हॉल बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो इस तरह से आपको ये प्रोजेक्टर लेना चाहिए। बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्टर है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी से ये पिक्चर क्वालिटी यहाँ पे देता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि दोस्तों आपके लिए हम ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो लेके आते रहते हैं।